अक्षय कुमार को आज हर कोई जानता है कि उनके जैसा अभिनेता बॉलीवुड में आज तक नहीं मिल रहा है। उनकी हर फिल्म नए अंदाज में बनती है। अभी अक्षय कुमार ने इस साल और आने वाले साल के लिए कुछ 8 फिल्में साइन की है। सबसे पहले बात करते हैं हम केसरी की। 2019 में अक्षय कुमार की पहली फिल्म केसरी आ रही है, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ प्रणीति चोपड़ा भी मुख्य भूमिका में होगी। इस फिल्म में जो लड़ाई देखने को मिलेगी वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयों में शामिल है। दूसरी है गुड न्यूज। लंबे समय के बाद अक्षय कुमार और करीना कपूर आपको इस फिल्म में एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म इस साल 6 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन राज मेहता करेंगे। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और दिलजीत भी नजर आएंगे। मिशन मंगल। इस फिल्म को विशेष रूप से 15 अगस्त के लिए साइन किया गया है। इसरो द्वारा फिल्म में मंगल ग्रह के लिए किए गए अभियानों को दिखाया गया है। इस फिल्म में बड़े स्टार और बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को शामिल किया गया है। फिल्म में विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू नजर आएंगे। हाउसफुल 4। आपको इस फिल्म के बारे में पता ही होगा क्योंकि यह फिल्म भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और बोमन ईरानी के साथ भी नजर आने वाले हैं। क्रैक। अक्षय कुमार की यह फिल्म साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे करेंगे। फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होगी। हेरा फेरी 3। हेरा फेरी जैसी मशहूर फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अब तक फिल्म के 2 हिस्से आ चुके हैं। 2 हिस्से आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। और अब इस फिल्म के तीसरे भाग में भी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जोड़ी देखने को मिलेगी। सूर्यवंशी। आपने अक्षय कुमार को राउडी राठौर में पुलिस की भूमिका में देखा होगा। अब अक्षय कुमार फिर से पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग इसी साल से होगी और फिल्म अगले साल रिलीज होगी। पृथ्वीराज चौहान। यह फिल्म भारत के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन चंद्र प्रकाश त्रिवेदी करेंगे। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा एक बड़े बजट पर बनाई जाएगी।